Assalamu alaikum students, today is the lecture number 6 of class 9 computer science. Last time students we were discussing flowcharts and today we are going to start the topic of algorithms. So what are algorithms, ye kya hote hain, inke hame kya help mil jati hai, theek hai, jab hum log koi bhi apni problem solving ko discuss kar rahe hote hain. To wo kehta hai ki studying algorithms is a fundamental part of computer science. In this section we discuss the concept of algorithms in detail. फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियादी. तो डेफिनेशन है, एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. तो ये बेसिकली वो बेसिक लाइन है कि एन एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. कि आप जो अभी आप फ्लो चार्ट को कर रहे थे जिसके अंदर आप मुख्तलिफ एरोस को यूज करते थे टू शो योर प्रोग्रेस, इसके अंदर आप लाइन बाय लाइन अपनी बात को सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर लिख देते हैं. आप उनकी नंबरिंग भी कर सकते हैं, अल्फाबेटिकली आप उनको लिख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि व्हाट आर एक्चुअली द स्टेप्स दैट यू आर यूजिंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम. इट इज़ रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज. नेचुरल लैंग्वेज का मतलब ये है कि आप इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, जो भी आपको लैंग्वेज आसान लगती है, ठीक है, आप उसमें इसको लिख सकते हैं. इट इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल, आराम से ये बात समझी जा सकती है बाई ह्यूमन्स, इंसानों के लिए. फॉर एग्जाम्पल, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी, अगर आपने चाय बनानी हो तो उसके क्या स्टेप्स होंगे, स्टार्ट करें जी. अब आप अगर अपने फ्लो चार्ट्स को याद करें तो वो भी ऐसे ही बन जाएगा. स्टार्ट किया आपने, टेक अ कैटल, आप एक देगची लेंगे, पोर वाटर इन इट, उसमें पानी डालेंगे, पुट द कैटल ऑन फायर, उसको चूल्हे पे रख देंगे, ऐड शुगर एंड मिल्क, उसमें दूध और चीनी डालेंगे, वेट टिल इट बॉयल्स, उसको उबलने देंगे, रिमूव द कैटल फ्रॉम द फायर. ठीक है, आप उस देगची को उबाला आने के बाद उतार देंगे और अपने प्रोग्राम को एंड कर देंगे. अब अगर आप देखें तो साइड पे आपने ए बी सी डी से भी नंबरिंग की है, आप 1, 2, 3 से भी कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम में भी नंबरिंग कर सकते हैं, और ये एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हैं जो आपने फ्लो चार्ट में ऑलरेडी देख ली थी. ठीक है, तो आपके पास ये जो आपके स्टेप्स थे ये आपका एक एल्गोरिथम बन जाएगा. अब अगेन आपके हम ऑलरेडी इस बात को पढ़ चुके हैं कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इस बात को डिस्कस भी किया था कि चाय बनाने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप इनकी रिदम को वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो एल्गोरिथम भी कोई कन्फर्म चीज़ नहीं होती. कहते हैं द अबव स्टेप्स कैन बी कॉल्ड एज एन एल्गोरिथम फॉर द टी प्रिपरेशन, क्योंकि ऑब्वियसली इनको यूज़ करके आप चाय तो बना ही लेंगे इवेंचुअली. वी कैन ऑल्सो सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर. फॉर दैट पर्पज वी मस्ट फॉर्मुलेट एन एल्गोरिथम फॉर द प्रॉब्लम एंड देन ट्रांसलेट द एल्गोरिथम इनटू सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर. अब आपको बता रहे हैं कि अगर आपने फर्दर भी इसकी प्रोसेसिंग करनी होगी तो आपको इन चीज़ों को देखना पड़ेगा. ठीक है, अगर आपको बोर्ड में कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आपके पास आपके डेफिनेशन होगी और आपकी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे. आपका नेक्स्ट टॉपिक बेसिकली वो स्टार्ट करता है, उससे पहले उसने एक चीज़ मेंशन की हुई है कि द वर्ड एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ अरेबिक राइटर मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज्म. ठीक है, बहुत फेमस ये मुस्लिम साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ही एल्गोरिथम के वर्ड को डिफाइन किया था. ठीक है, रोल ऑफ एल्गोरिथम्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आपको एल्गोरिथम किस तरह से हेल्प करते हैं. अब देखें, ऑब्वियसली हमने लास्ट में डिस्कस किया कि जब हम फ्लो चार्ट्स बना लेते हैं, ठीक है, तो हम उससे डायरेक्ट कोडिंग क्यों नहीं कर सकते, हमें एल्गोरिथम्स क्यों चाहिए. वो कहते हैं एन एल्गोरिथम हैज़ अ वाइटल रोल, इसका बड़ा अहम किरदार है इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर. कि ये आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बता रहा होता है इन डिटेल. ऑब्वियसली फ्लो चार्ट के अंदर आप उतनी डिटेल मेंशन नहीं कर सकते क्योंकि आप एक डायग्राम बना रहे हैं, आप एक ड्राइंग बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपने चीज़ों को लिमिटाइज करना होता है. लेकिन जब आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं तो आप उसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, यूजली अ कंप्यूटर प्रोग्राम फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिथम देन ट्रांसलेट्स इट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, तो आजकल बहुत सारी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं जो कि पॉपुलर हैं. सी है, सी शार्प है, आई मायसेल्फ एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो आई एम वर्किंग ऑन जावास्क्रिप्ट राइट नाउ. तो आजकल बड़ी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं, पाइथन बहुत फेमस है आजकल. ठीक है, यू कैन अर्न रियली हैंडसम अमाउंट अगर आप पाइथन की कोडिंग कर सकते हैं. वो कहते हैं समटाइम्स द डिजाइनर ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट मेक्स अ फ्लो चार्ट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एंड देन इनकोड्स द फ्लो चार्ट इनटू एन एल्गोरिथम. ठीक है, अब नीचे वो आपको डायग्राम दिखा रहे हैं जिसके अंदर वो आपको प्रॉब्लम आपको ये बात एक्सप्लेन भी होकर है कि आपके पास प्रॉब्लम थी, आपने उसका फ्लो चार्ट बनाया, फ्लो चार्ट से आपने एल्गोरिथम लिख दिया और एल्गोरिथम जो है वो क्या था, इट वॉज अ कम्प्लीट डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद आप आगे कंप्यूटर प्रोग्राम में आप कोडिंग यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आपका मेन है द रोल ऑफ एल्गोरिथम.
नेक्स्ट है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, कि अगर आपने एल्गोरिदम बनाना होगा तो उसके भी क्या क्या स्टेप्स होंगे। तो वो ऐसे फ्लो चार्ट से इतने कोई डिफरेंट नहीं होते। कहते हैं दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ नोटेशंस। नोटेशंस का मतलब होता है की वर्ड्स, कि हमने कुछ बातों को फिक्स कर लिया, ठीक है। कि जैसे हमारे घर में अगर आपने चाय बनानी है तो चाय बनाने का चूल्हा अलग, आप चाय बनाने की जो देगची है वो अलग होती है, अगर आपने बिरयानी बनानी है तो वो आप अलग हांडी में बनाते हैं, ठीक है। तो सिमिलरली इस तरह से आपने नोटेशंस बना ली होती हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए भी। वो कहते हैं वी यूज द नोटेशंस प्रेजेंटेड एज फॉलोस। स्टार्ट है, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम, एवरी एल्गोरिथम मस्ट हैव स्टार्टिंग एंट्री पॉइंट। ऑब्वियसली हर एल्गोरिथम का जो पहला पॉइंट है वो स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या है, इनपुट। इट इज़ यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम अ यूजर एंड स्टोर इट इन कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम। आपने यूजर से इनपुट लेनी होती है और आपने अपने उस प्रोग्राम में आपने उसको सेव करना होता है। अभी हमने ऑलरेडी फ्लो चार्ट में भी इस बात को डिस्कस किया था। देन है सेट। इट इज़ यूज टू गिव नेम टू डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। अब सेट का जो वर्ड है ये आप लोगों ने फर्स्ट टाइम सुना है, और वो कह रहे हैं कि ये आपके डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में सेव करने में हेल्प करता है और आपके वैल्यू को चेंज भी कर सकता है। जैसे लास्ट टाइम हम फ्लो चार्ट्स में हमने एक काउंट का वेरिएबल देखा था जिसको हम बार बार रेपिटेशन ले रहे थे, ठीक है, उसके हम आइट्रेशन कर रहे थे लूप की फॉर्म में। तो उसके अंदर भी हम क्या कर रहे थे कि हम एक्चुअली में सेट यूज़ कर रहे थे और हम अपनी एग्जिस्टिंग डेटा की वैल्यू को बेटा अपडेट कर रहे थे स्टूडेंट्स, ठीक है। आगे हम चलते हैं इफ एल्स। इफ एल्स के अंदर वो आपको बता रहा है कि इट इज़ यूज टू चेक द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल द कंडीशन लाइक इफ ए इज लेस देन बी, अ कंडीशनल इज एवेल्युएटेड एज ट्रू और फॉल्स। क्या आप एक कंडीशन लेते हैं, आप चेक करते हैं कि वो या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, वो तो कोई तीसरी चीज़ तो नहीं हो सकती। तो क्या आप करेंगे, इन केस द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट्स रिलेटेड विद द इफ पार्ट आर एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज स्टेटमेंट्स विद द एल्स पार्ट आर एग्जीक्यूटेड। अब फ्लो चार्ट में हमने डायमंड स्ट्रक्चर देखा था, अगर आपका आंसर ट्रू था तो आप यस वाले पाथ को फॉलो करते थे, अगर आपका आंसर फॉल्स था तो आप नो वाले पाथ को फॉलो करते थे। तो अगर आपकी इफ एल्स की जो स्टेटमेंट, इसमें आपने स्टूडेंट्स ऐसे करना है कि अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू है तो फिर आपने इफ वाले पाथ को लेके फॉलो करना है, अगर आपकी स्टेटमेंट फॉल्स है तो फिर आपने एल्स वाले पार्ट को लेके चलना है, ठीक है। यूजेज अगर आप देखें, मैं आपको एग्जांपल दे रहा है कि वो कहता है सपोज करें ए इज इक्वल टू 5 एंड बी इक्वल टू 7। अब वो कहता है कि आप चेक करें कि इफ ए इज लेस देन 5, ए क्या था 5 था, तो इफ ए इज लेस देन 5 सेट सी टू 10 और एल्स सेट सी टू 20, ठीक है। अब आपको कह रहे हैं कि आप चेक करें, अब आपका ए जो था वो क्या था 5, तो ऑब्वियसली 5 जो है वो लेस देन 5 नहीं हो सकता, तो फिर आपने एल्स वाले पार्ट को लेकर चलना है और आपकी सी की वैल्यू जो है वो 20 स्टोर हो जाएगी। कहते राइटिंग एल्स पार्ट इज ऑप्शनल, अगर आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है तब उसको चला देगा, अगर आपने एल्स पार्ट लिखना है कि अगर फॉल्स होती है तो अगर आपने अपने प्रोग्राम में कुछ चलाना है तो चला लें, वरना ऐसे भी ठीक है। गो टू स्टेटमेंट है, इट इज़ यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप ऑफ एन एल्गोरिथम, इट इज़ यूजली रिक्वायर्ड इन लूप्स। गो टू का मतलब होता है चले जाओ। तो अगर आप अपनी कोडिंग जब आप करते हैं, जब आप अपनी लाइन्स को लिख रहे हैं, एल्गोरिथम्स को लिख रहे हैं, तो कई दफ़ा आपको कुछ लाइन्स को स्किप करना पड़ता है, तो उस लाइन्स को स्किप करने के लिए आप कहते हैं कि गो टू लाइन नंबर 60 या लाइन नंबर 180, तो आप वो बाकी लाइन्स को छोड़ के डायरेक्ट आपकी रिक्वायर्ड लाइन पर चला जाता है, और नॉर्मली ये लूप्स की फॉर्म में यूज़ होता है। आगे हम एग्जांपल्स में इसको डिटेल में देख लेंगे। आउटपुट, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले वैल्यूज, देखो इनपुट वाला ही हिसाब है, और एट द एंड इट इज़ द स्टॉप जो है, इट इज़ द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ एन एल्गोरिथम। जब अपने प्रोग्राम को ख़त्म करना है तो हमेशा जो उसकी लास्ट लाइन है स्टूडेंट्स, वो स्टॉप ही होगी। तो अभी हमने एल्गोरिथम की डेफिनेशंस को और उसके अंदर हम एल्गोरिथम्स को क्यों यूज़ करते हैं और हमने उसकी फॉर्मुलेशन को डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वाला जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, उसके अंदर हम इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अल्लाह हाफिज़।